हम देखते थे प्रेजेंस में गोकू को दूसरे डायमेंशन में भेज दिया था और उसकी याददाश्त को मिटा दिया होता है, जिस वजह से गोकू को अपने बारे में भी याद नहीं होता और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और दूसरी तरफ हम वेजिटा को देखते हैं जो डांटे के सामने होता है और वो डांटे से कहता है, क्या तुम क्या करोट को जानते हो? डांटे कहता है, ये तुम किसकी बात कर रहे हो, क्या ये कोई बड़ा डीमन है? वेजिटा कहता है, वो कोई डीमन नहीं है, वो बेवकूफ़ है जो मुझे परेशान कर रहा है। शायद हो सकता है उसने तुम्हें अपना नाम गोकू बताया हो, क्या तुमने ये नाम सुना है? डांटे कहता, हाँ मैंने उसके बारे में सुना है, क्या वो तुम्हारा दोस्त था? वेजिटा कहता, हाँ बदकिस्मती से वो मेरा दोस्त है, क्या तुम मुझे बता सकते हो क्या करोट यहीं पर है या यहाँ से चला गया? डांटे कहता, वो तो यहाँ से चला गया लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम भी इतने ताकतवर हो या उससे कमजोर हो। मैंने पहली बार इतनी ताकतवर ओपोनेंट से फाइट की थी और ये मौका मुझे दूसरी बार मिला है तुमसे लड़ने का और मैं इसे जाया नहीं होने दूंगा। वेजिटा कहता है, तो तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? डांटे कहता है, इसमें कोई शक? वेजिटा कहता है, तो चलो इसे शुरू करते हैं। और ये कहने के बाद वो दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। वेजिटा डांटे पर कई सारे हमले करता है लेकिन डांटे उसके सारे हमले को टच कर देता है। वेजिटा कहता है, ये तो काफी ताकतवर है, इससे लड़ने के लिए मुझे अपनी और ताकत बढ़ानी होगी। ये कहने के बाद वेजिटा सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और डांटे पे फिर से हमला करता है लेकिन डांटे अभी भी वेजिटा के हमले को इजीली टच कर देता है। वेजिटा कहता है, मैंने जितना सोचा ये तो उससे कई गुना ज्यादा ताकतवर निकला है, इसका मतलब क्या करोट इससे हार गया होगा या जीता होगा? पहले ही क्या करोट इससे हार गया हो लेकिन मैं नहीं हारने वाला। ये कहने के बाद वेजिटा सुपर सैयन ब्लू में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और डांटे पे हमला करता है। डांटे इस बार वेजिटा के हमले को टच नहीं कर पा रहा होता है। तभी डांटे को वेजिटा का एक पंच जोर का लगता है जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है। वेजिटा कहता है, क्या तुम्हारा मन भर गया या और पिटना चाहते हो? डांटे कहता है, ये तो अभी शुरुआत है, चलो इसे और मजेदार बनाते हैं। ये कहने के बाद डांटे अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और वेजिटा पर हमला करता है। वेजिटा कहता है, तो तुम हथियार का इस्तेमाल करोगे? अभी डांटे अपनी गन का भी इस्तेमाल करके वेजिटा पर हमला करता है लेकिन वेजिटा वक्त रहते खुद को बचा लेता है और डांटे से कहता है, तुम्हारे पास तो काफी हथियार है, तुम्हें मारने के बाद मैं तुमसे ये सब छीन लूंगा। डांटे कहता है, सपने में? और ये कहने के बाद वो वेजिटा पर काफी सारे हमले कर देता है। वेजिटा उसके कई सारे हमले को टॉर्च करता है लेकिन कई सारे हमले लग जाते हैं जिससे वेजिटा थोड़ा डैमेज हो जाता है। इस पर वेजिटा काफी गुस्सा हो जाता है और डांटे पर कई सारे की ब्लास्ट अटैक करता है। डांटे उस सारे की ब्लास्ट अटैक से बचते हुए वेजिटा पर अपनी स्वॉर्ड से हमला करने वाला होता ही है कि अचानक वेजिटा ये देख लेता है और उसकी स्वॉर्ड को अपने हाथ से रोक लेता है और डांटे के पेट में एक जोरदार पंच कर देता है। इसे डांटे थोड़ा पीछे चला जाता है और कहता है, लगता है तुम्हें हराने के लिए मुझे थोड़ा जोर लगाना होगा, तुम अपने दोस्त से काफी अलग हो इसलिए मुझे थोड़ा जोर तो लगाना ही होगा। और ये कहने के बाद वो अपनी पावर को बढ़ाता है, अपने हथियार से वेजिटा पर कई सारे हमले एक साथ कर देता है। वेजिटा उन सबको टॉच करते हुए डांटे को जैसे ही पंच करने वाला होता है, डांटे अपनी स्वॉर्ड से वेजिटा को बहुत पावरफुल अटैक करके वेजिटा को बहुत डैमेज कर देता है जिससे वेजिटा काफी घायल हो जाता है। वेजिटा उस हमले से जमीन पर गिर जाता है। डांटे उसके पास जाकर कहता है, क्या अब तुम हार मानते हो? वेजिटा कहता है, तुमसे मैं हार मानूंगा, ये हो ही नहीं सकता। ये कहने के बाद वेजिटा अपनी पावर को बहुत ज्यादा बढ़ाने लगता है और सुपर सैयन ब्लू एवोल्यूशन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। डांटे ये देखकर कहता है, तुम्हारा एटीट्यूड तो कमाल का है, तुमसे लड़ने में मुझे काफी मजा आ रहा है। वेजिटा कहता है, मुझे भी तो, ये लो इसका सामना करो। और ये कहने के बाद वो डांटे पर एकदम से अपना सबसे पावरफुल अटैक फाइनल फ्लैश कर देता है जिस वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और जैसे वो धमाका हटता है हम देखते हैं डांटे काफी ज्यादा डैमेज हो चुका था। वेजिटा डांटे के पास जाता है और उसके बाल को पकड़ के खड़ा करता है और कहता है, अब मेरी बारी। लेकिन डांटे अचानक से स्माइल करता है, ये देखकर वेजिटा थोड़ा सा शॉक रह जाता है और तभी डांटे उसे पेट में एक जोरदार किक कर देता है जिस वजह से वेजिटा काफी दूर जाकर गिरता है और जैसे वो खड़ा होकर डांटे को देखता है वो बिल्कुल ठीक हो चुका था। वेजिटा ये देखकर कहता है, आखिर ये इसने कैसे किया, ये इतना जल्दी ठीक कैसे हो सकता है? डांटे कहता है, क्या हुआ, तुम इतने भी ताकतवर नहीं कि मुझे हरा सको? और ये कहने के बाद एक ही पल में हजारों अटैक वेजिटा पर कर देता है जिससे वेजिटा झेल नहीं पाता और जमीन पर गिर जाता है और अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। डांटे कहता है, तुमने अच्छी कोशिश की लेकिन मेरे सामने बेकार है। और ये कहने के बाद वो वहां से जाने लगता है। तभी उसे आवाज आती है, ये लड़ाई इतनी जल्दी खत्म नहीं हुई है। डांटे पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, तो तुम्हें अभी भी जान बाकी है, तो चलो उसे मैं निकाल देता हूँ। डांटे जैसे अपनी बात खत्म करता है हम देखते हैं वेजिटा इतनी ज्यादा पावर बढ़ाने लगता है कि वो पूरी जगह खापने लगती है। डांटे कहता है, क्या मैंने इसे गुस्सा दिला दिया, ये अपने दोस्त की तरह पावर तो नहीं बढ़ा रहा? हम देखते हैं वेजिटा जितनी ज्यादा पावर बढ़ा रहा था वो जगह उतनी हिल रही होती है और उसके अंदर से पर्पल ओरा निकलने लगता है और अचानक से वेजिटा अपनी अल्ट्रा ईगो की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है।
और वो अचानक से डांडे के पेट में एक जोरदार पंच करता है जिससे डांडे काफी दूर जाकर गिरता है। वो जैसे खड़ा होता है वेजिटा उस पर और हमले कर देता है और उस पर कई सारे की बलास्ट अटैक भी कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर फिर से एक धमाका होता है। और जैसे वो धमाका हटता है हम देखते हैं डांडे को काफी डैमेज पड़ा था और वो कहता है मैं तुम्हें अब हल्के में नहीं लूंगा। ये कहते वो अपनी डेविल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और जैसे वो अपनी डेविल फॉर्म में आता है वेजिटा अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। डांडे कहता है तो चलो तुम्हारा खेल खत्म हुआ और ये कहते वो वेजिटा पर हमला करता है और उसे एक ही पल में हरा देता है और वेजिटा बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। डांडे ये देखकर कहता है लगता है मैंने इसे मौका नहीं दिया। उसके बाद हम वेजिटा को देखते हैं जो बेहोशी की हालत में कह रहा होता है तुम मुझे ऐसे नहीं हरा सकते। वो कहते हुए अपनी कैप्सूल में से ड्रिप जैकेट को निकालता है और वेजिटा अचानक से उस जैकेट को पहन लेता है। डांडे ये देखकर कहता है ये क्या है, क्या तुम किसी फैशन शो में आए हो। लेकिन तभी वेजिटा अचानक से डांडे पे एक पंच करता है लेकिन वो पंच डांडे को नहीं लगता बल्कि उसके फेस के पास रहता है। डांडे वेजिटा के उस हमले की वजह से अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। वेजिटा कहता है शुक्र करो मैंने तुम पे वो पंच नहीं किया वरना यही मारे जाते। डांडे कहता भला ये कैसी पावर है तुमने ये कैसे किया। वेजिटा कहता है मेरे पास इतना वक्त नहीं है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। ये कहने के बाद वो अपनी जैकेट को फिर से निकाल लेता है और दूसरे यूनिवर्स में चला जाता है। डांडे कहता है ये तो अपने दोस्त से भी खतरनाक निकला मैंने इसे हल्के में लिया था। इसके बाद हम वेजिटा को देखते हैं जो दूसरे यूनिवर्स में चला गया था और वहाँ उसकी मुलाकात इचिगो से होती है। इचिगो वेजिटा को देखकर कहता है तुम तो जाने पहचाने से लगते हो और तुम्हारे अंदर से उसी की जैसी पावर आ रही है। वेजिटा कहता है क्या तुम क्या करोट को जानते हो। इचिगो कहता है ये कौन है। वेजिटा कहता है मुझे बार बार गोकू क्यों कहना पड़ रहा है। इचिगो ये सुनकर कहता है हाँ गोकू को मैं जानता हूँ क्या हुआ। वेजिटा कहता है क्या वो यहाँ से भी जा चुका है। इचिगो कहता हाँ वो बहुत पहले जा चुके हैं और उन्होंने मुझे काफी ट्रेनिंग दी है और मैं बहुत ताकतवर हो चुका हूँ। क्या आप मुझसे लड़ना चाहेंगे। वेजिटा कहता है क्या अब मैं तुमसे लड़ूं। इचिगो कहता है क्यों नहीं मैं भी देखना चाहता हूँ आप कितने ताकतवर हैं। वेजिटा कहता है सब मुझसे यही सवाल क्यों कर रहे हैं क्या करोट ने आखिर क्या किया है। वेजिटा कहता है ठीक है मैं भी देखना चाहता हूँ क्या करोट ने तुम्हें ट्रेनिंग देके कितना पावरफुल बनाया है। इचिगो कहता है तो ठीक है तैयार हो जाइए। ये कहने के बाद वो आपस में फाइट करने लगते हैं। वेजिटा इचिगो की पावर देख के बिल्कुल शॉक रह जाता है और कहता है क्या तुम इतने ताकतवर हो गए हो क्या करोट ने तुम इतना ताकतवर बनाया है। इचिगो कहता है हाँ उन्होंने मुझे इतना ताकतवर बनाया है। वेजिटा कहता है तुम तो मेरे सुपर सेम गॉड जितना ताकतवर हो इसका मतलब क्या करोट भी ताकतवर बनता जा रहा होगा मुझे भी ट्रेनिंग करनी होगी। ये कहने के बाद वो इचिगो से काफी देर तक फाइट करता है और कहता है तुमसे लड़के मुझे काफी मजा आया चलो मैं अब चलता हूँ तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा। ये कहने के बाद वेजिटा वहाँ से भी चला जाता है दूसरे यूनिवर्स में पहुँच जाता है जहाँ उसकी मुलाकात क्रैटोस से होती है। क्रैटोस भी वेजिटा की पावर को सेंस करता है और कहता है तुम तो बिल्कुल वैसे ही हो क्या तुम भी कोई सैयन हो। वेजिटा कहता है तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला इसका मतलब जरूर क्या करोट यहाँ भी आया होगा। क्रैटोस कहता है जिसकी तुम बात कर रहे हो क्या वो गोकू है। वेजिटा कहता है हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ क्या करोट ने तुम्हें ट्रेनिंग दी है। क्रैटोस कहता है नहीं उसने मुझे ट्रेनिंग नहीं दी बल्कि मैं उसके साथ था वो काफी अच्छा इंसान था मुझे उसके साथ काफी मजा आया। वेजिटा कहता आखिर सबको उसके साथ मजा क्यों आता है क्या उसने तुम्हारे साथ रात बिताई थी। क्रैटोस कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो तुम्हारी बातों से लगता है तुम उससे जलते हो। वेजिटा कहता है क्या कहा मैं उससे जलता हूँ नहीं बल्कि वो मुझसे जलता है। क्रैटोस कहता है देखते तो नहीं लगता। वेजिटा कहता है चलो फिर दो दो हाथ करते हैं। क्रैटोस कहता है हाँ क्यों नहीं आ जाओ और ये कहने के बाद वो आपस में फाइट करने लगते हैं। वेजिटा क्रैटोस से फाइट करते हुए कहता है तुम तो काफी ताकतवर निकले। क्रैटोस कहता है गोकू ने भी मुझसे यही कहा था लेकिन प्यार से। वेजिटा कहता है मैं फालतू में प्यार नहीं जताता और ये कहने के बाद वो क्रैटोस पे हमला करता है। क्रैटोस भी उससे फाइट करता है और उन दोनों में दो दो हाथ हो जाती है। टॉस का बेटा भी इस फाइट को ज्वाइन करने के लिए कहता है लेकिन क्रैटोस उसे मना कर देता है और कहता है ये कोई सीरियस लड़ाई नहीं है। वेजिटा कहता है लेकिन मैं इसे सीरियस ले रहा था। ये कहने के बाद क्रैटोस को एक जोरदार पंच करता है लेकिन क्रैटोस उसके पंच को टॉच करता है और उस पर अपना हमला करता है लेकिन वेजिटा भी उसके हमले को टॉच करता है और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे पर एक जोरदार पंच करते हैं जिससे वो काफी दूर जाकर गिरते हैं। क्रैटोस कहता है इतना काफी है अब मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा क्योंकि तुम मेरे दुश्मन नहीं हो। वेजिटा भी कहता है ठीक है चलो फिर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। क्रैटोस कहता है ठीक है अगर तुम गोकू से मिलना तो उसे कहना मैंने उसे याद किया है। वेजिटा कहता है पहले तो मैं इसे खुद निपटूंगा उसके बाद तुम्हारे बारे में बताऊंगा तुमसे मिलके अच्छा लगा मैं चलता हूँ। ये कहने के बाद वेजिटा भी वहाँ से चला जाता है और एक दूसरे यूनिवर्स में पहुँच जाता है और उसकी मुलाकात वहाँ किसी और से नहीं मोंकी किंग से होती है।
और दूसरी तरफ हम गोकू को देखते हैं जो होश में आ गया था और उस यूनिवर्स में घूम रहा होता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और ना ही उसे कुछ याद था। और तभी उसकी मुलाकात किसी ऐसे से होती है जो शायद गोकू की मदद कर सकता है, या शायद गोकू उसकी। तो गाइस वीडियो खत्म होती है और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, वो पार्ट थोड़ा सा फनी होगा। ये वेजिटा का एक स्पेशल एपिसोड था, तो आगे देखते हैं वेजिटा भी क्या करता है, वो गोकू से मिल भी पाएगा या नहीं ये भी हम जानेंगे आगे। गोकू डीसी यूनिवर्स में जाने से पहले कुछ दूसरे यूनिवर्स में जाएगा। अगर आपको लगता है कि गोकू को किसी और यूनिवर्स में जाना चाहिए डीसी से पहले तो कमेंट करके जरूर बताना, लेकिन ज्यादा एनिमे के बारे में कमेंट मत करना, जो मैन हो उसी के बारे में बताना ताकि मैं उसे जल्दी से निपटा दूं। फिर गोकू डीसी और मार्वल के सबसे पावरफुल कैरेक्टर से फाइट करेगा। अगर आप ये चाहते हैं तो कमेंट में डीसी और मार्वल कमेंट कर देना। कोई एनिमे जो मुझसे छूट गया हो और आपको लगता हो कि गोकू को उसमें जाना जरूरी था तो वो भी कमेंट करके जरूर बताना, वरना मैं एक एपिसोड के बाद गोकू को डीसी यूनिवर्स में वापस ले आऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखना।